मैं हूँ अचलपुर शहर में, मेरे वतन में, और आज ही पहुँचा हूँ। और अपने वतन की खुशी एक अलग ही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा ये खुशी होती है कि कोई हमारे बचपने के दोस्त जो हमारे साथ खेले हैं, स्कूल पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो यादें अलग। क्लास में बहुत डांटते थे सर, बहुत खोलते थे हमारे ऊपर, बहुत खोलना, बहुत ज़्यादा तीखा ना। आज आपके काम में आ गया। मेरे उस्ताद जो ज़िला परिषद में 1989 में मुझे उन्होंने पढ़ाया है, आशिक अली सर ने, तो मैं उनके घर आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? तो के मैट्रिक में जो हम थे उस वक्त सर आप बहुत कड़क थे, इजार सर, मरूम इजार सर थे, तालिफ सर थे, मुश्ताक सर थे, आप लोग जो होता है सही बात, एक फादर की तरह होता है, तो उस्ताद की बिल्कुल इज्जत करना चाहिए। और कुछ कहना चाहते हैं आपने? बस मैं अल्लाह ताला से दुआ ये करूँगा कि अल्लाह ताला आपको मजीद तरह की इनायत करे, और इंशाल्लाह करेगा। भाई दोस्तों, मैं हूँ अचलपुर शहर में, मेरे वतन में, और आज ही पहुँचा हूँ। और अपने वतन की खुशी एक अलग ही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा ये खुशी होती है कि कोई हमारे बचपने के दोस्त जो हमारे साथ खेले हैं, स्कूल पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो यादें अलग रहती। चाहे आप भारत ही नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में रहे, लेकिन कम से कम हमारे जो बचपने की यादें रहती है वो ताज़ा हो जाती है। आज मैं मेरे उस्ताद जो ज़िला परिषद में 1989 में मुझे उन्होंने पढ़ाया है, आशिक अली सर ने, तो मैं उनके घर आया हूँ। हम चलेंगे अंदर और उनसे मिलेंगे। आशिक अली सर से बड़ी खुशी हो रही है, मैं एक्साइटेड हूँ कि उनसे कब मिलूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मेरी उनसे मुलाकात होने वाली है। तो हम चलते हैं अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? तो दोस्तों, ये है मेरे आशिक अली सर, जिन्होंने मुझे जिला परिषद यानी कि गवर्नमेंट स्कूल में अचलपुर में पढ़ाया लिखाया। और वो बात है तकरीबन 1989 की, जब मैं मैट्रिक में था, तो मेरे सर आशिक अली पास आज मैं आया हूँ। आइए उनसे भी मिला देता हूँ मैं आपको, क्योंकि उस्ताद जो है ना वो हमारे फादर की तरह होते हैं, उस्ताद की इज्जत करना बहुत ज़रूरी होता है। आशिक सर, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद में मेरी मुलाकात हुई। कैसे हैं आप? हाँ, खैरियत है, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत वगैरह? अल्लाह के यहाँ तबीयत वगैरह भी ठीक है। मैं सैयद आशिक अली, साबिक हेड मास्टर, इंचार्ज हेड मास्टर, जिला परिषद गवर्नमेंट हाई स्कूल अचलपुर। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मुतारिफ कराना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जो हमारा स्टूडेंट रहा है। वैसे तो हमारे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं और बहुत अच्छे मकाम पर पहुँचे हैं। डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, कव्वाली भी है, उसी तरह से एक ताबनाक सितारा, एक ताबनाक रोशन सितारा हमारे स्कूल से उभरा है, जो पूरे हिंदुस्तान पर, आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान पर छा गया है। और ये शख्सियत जो है रियाज शेख, ये TNN 24 न्यूज के चीफ एडिटर है। इस पे देखो, ये चीफ एडिटर है और हमारी स्कूल के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। भले ही कुछ कमजोर होंगे, लेकिन उनका जो टैलेंट था शुरू से टैलेंट उनका बहुत अच्छा रहा है। किसी बात को टैलेंट उनका बहुत अच्छा रहा है, किसी बात को बहुत जल्द जैसा उसको कवर कर लेते थे, और हमारे यहाँ जो डिबेट होते थे तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। जो तकारीर होती थी, डिबेट होते थे, प्रोग्राम होते थे, कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इनका रहता था सारे बच्चों में। और ओबीडियंस ही बहुत ज्यादा है, और अल्लाह ने उनके ओबीडियंस का आज उनको सिला भी दे दिया है कि आज वो तरक्की के उस मकाम पर है कि लोग ख्वाहिश करते हैं कि मैं वहां पर जाऊं, उस तक पहुंच जाऊं। अल्लाह सभी के इसी तरह की तरक्की नसीब करे, और हम सभी दुआ करते हैं कि रियाज शेख को अल्लाह ताला और ज्यादा तरक्की नसीब करे, और ज्यादा तरक्की दे। सर, उस वक्त मैं देखता था कि आप अभी तो नॉर्मल से, लेकिन हम क्लास में बहुत डांटते थे सर, बहुत खोलते थे हमारे ऊपर, बहुत खोलना, बहुत ज्यादा तीखा ना। आज आपके काम में आ गया। आज आप दूसरों को खोल रहे हैं, दूसरों को बोल रहे हैं, दूसरों को तनकीद कर रहे हैं।
तो ये तनकीद का जो सिला है वो नहीं देते। आपसे सीखा था, आपसे सीखा है, बिल्कुल 100% मैंने आपसे सीखा है कि मैट्रिक में जो हम थे उस वक्त सर आप बहुत कड़क थे, इजार सर मरूम इजार सर थे, तालिफ सर थे, मुश्ताक सर थे, आप लोग हमको एकदम कंजेस्टेड रखते थे, एकदम कड़क रखते थे कि एकदम कहीं जाना नहीं आना नहीं है। वो टाइम बहुत अच्छा था, आप लोगों ने बहुत हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, और ये समझिए कि हम आपके ही नक्शे कदम पे चलते हुए आज बराबर न्यूज चैनलों में दिखते हैं, लोग देखते हैं हम लोगों को, तो ये आप ही की मेहरबानी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि जो आपने बोया था उस जमाने में आज उसका फल बनकर हमें ही मिल रहा है। तो ये हर एक उस्ताद जो होता है सही बात एक फादर की तरह होता है, तो उस्ताद की बिल्कुल इज्जत करना चाहिए। और कुछ कहना चाहते हैं आपने? बस मैं अल्लाह ताला से दुआ ये करूंगा कि अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की इनायत करे, और इंशाल्लाह करेगा। उनमें उतना टैलेंट भी है, उनकी जुस्तजू भी है, उनकी तड़प भी है। सर बहुत एक्साइटेड हूं मैं, क्योंकि हकीकत में ना अगर हमारे उस्ताद जिन्होंने हमें पढ़ाया, बताना चाहूंगा ये खुशी की बात है कि हमारे रियाज शेख साहब जो के TNN 24 न्यूज के चीफ एडिटर है, इनको 22 फरवरी 2022 को अभी हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर माननीय भगत सिंह केशोरी की तरफ से इनको एजाज मिला था, इनको इनका सत्कार किया गया था, और अभी ये और भी ज्यादा आगे जाने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी सब सामने आ जाएगा। दोस्तों कैसा होता है कि हम जो अल्लाह इनको आप ज्यादा तरक्की नसीब करें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थे हमारे सर जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, डांटा धमकियां दी, लेकिन उस वो इसलिए दिया कि हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में इनका पालन करें, इनके आदेशों का पालन किए करें, और जो भी हमारे उस्ताद होते हैं ना वो हमेशा अच्छाई के लिए ही बोलते हैं। तो मुझे आज भी याद है वो 1989 का ज़माना जब हमें इजार सर, आशिक अली सर, मुश्ताक सर और मरहूम अजहर सर, इजार सर, ये लोग हमको टीचिंग करते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे गवर्नमेंट स्कूल में अचलपुर में, और हम लोग बहुत शरारती थे, हम लोग बहुत शरारत करते थे, इसलिए हमें ये लोग डांटते थे, और उनका वो डांटना आज हमारे उस काम में आता है, क्योंकि टीचर जो होता है ना वो अपने वालिद की तरह होता है, उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, चाहे वो कहीं भी मिले, और उनसे मिलने जरूर जाएं, क्योंकि वो हमारे उस्ताद है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अचलपुर में हूँ, आज मैं अचलपुर आया हूँ, बड़ी खुशी हो रही है, और मैं चाहता था कि मेरे सर से मैं मिलूँ, आशिक सर से, और मैं आज उनके ही घर पे हूँ, आज उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उनकी दुआएं, उन्होंने मुझे दुआएं दी, बस इसी तरह मैं आपसे मेरे उस्ताद से मिलाना चाहता था और आज मिलाया। दोस्तों सर के लिए मैं एक शेयर कहना चाहता हूँ कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। ये सर की शान में इनको डेडिकेट किया है मैंने, क्योंकि इन्होंने हमारी जिंदगी में काफी अच्छे परिवर्तन लाया है, हमें इंसान बनाया है, और वो इंसान जो दूसरों के लिए जीता है।